पता नहीं कितने से कांग्रेस आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग डांडा का कांग्रेस पर बड़ा बयान। कांग्रेस नेताओं पर लगाया वितरकात के आरोप। चुनाव में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की कोशिश, डांडा की तरफ से कहा गया। रणदीप सुरजेवाला के बूथ पर हारे अनुराग डांडा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा बयान। हुड्डा के सक्षम वाले बयान पर बोले अनुराग डांडा, पिछली बार बाप बेटा चुनाव हार गए थे, हुड्डा को ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है, हुड्डा अपनी स्थिति में रहें। फिलहाल उनकी तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि पहले बाप बेटा हार गए थे और ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अब रणदीप सुरजेवाला के बूथ में हारे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। अनुराग डांडा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा बयान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ ताकतों ने यह कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति में नव जीवन लेकर के आई आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसके बाद ऐसा तूफान आएगा जिसमें ये पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की साजिश की गई कुरुक्षेत्र के अंदर। जो साजिशें कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर की गई, हमने तो अभी तक पूरे हरियाणा स्टेट का हम रिव्यू करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, तब उसमें असली वजह असली पॉइंट्स हम निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोग हमें बता रहे हैं, लोकल स्थानीय लोग बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें फोन कर करके बता रहे हैं, वो संदेह पैदा करता है, कुछ सवाल खड़े करता है जो मैं आपके समक्ष छोड़ के जा रहा हूं, जो लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, कि ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी, इतने बड़े नेता कांग्रेस के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं, कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है, हमारा सिक्का चलता है, अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे मुश्किल परिस्थितियों में, जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से तीसरे नंबर पे रह के, समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे। लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया। देखिए, दो सवाल है, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो स्थिति पहले से स्पष्ट है, इसमें कोई एम्बिग्विटी किसी तरीके की है नहीं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी हमसे यह सवाल पूछा था, हमने तब भी यह जवाब दिया था, ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था, स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में, मैंने तब भी बताया था काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव, ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब, ना आपके पास नंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है, बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है, इसलिए अपनी स्थिति में रहिए और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मत। तो आगे बढ़ते